लिए। और दोनों हाथों की ताली, सभी को गाना है मेरे साथ क्या, माँ तेरे दरबार झोंके सारा संसार, माँ तेरे दरबार झोंके मेरी सुन ले पुकार, जोता वालिए ओ लाटा वालिए, माँ जोता वालिए ओ लाटा वालिए, माँ तेरे दरबार झोंके सारा संसार मेरी सुन ले पुकार, जो सभी को तालियों के साथ गाना, मान तो थकावट है मुझे भी हो रही है लेकिन गाना सभी को तालियों के साथ, सुन ले पुकार जोता वाली। ओ लाटा वालिए, माँ तेरे दरबार झोंके सारा संसार मेरी सुन ले पुकार, जोता वालिए ओ लाटा वालिए, माँ जोता वाली ओ लाटा वालिए। तालिया तालिया, ये बात, ये ताली लगनी चाहिए। कहते हैं ना, अगर जिसको जिसको खुशी है माँ माई के जगराते की, दोनों हाथ ऊपर, देखिए भक्ति है दिल में तभी 6 बजे तक, अच्छा 7:15 हो गए, 7 बजे तक चल गया ठीक है, और मैं तो चाहूँगा और लंबा चले, क्योंकि जो लंबा चलता है वो लंबा ज़्यादा चलता है। अमिताभ बच्चन जी को देखिए, उनमें से अब एक और नाम आएगा ललित अंकल हमारे। सुन ले पुकार जोता वालिए ओ लाटा वालिए, माँ जोता वालिए ओ लाटा वालिए। एक शेर आपके लिए कह रहा हूँ कि कितना शरीर है गम है कि एहसास है गम नहीं, कितना शरीर है गम है कि एहसास है गम नहीं, कैसे कहूँ कि आपका मुझ पर करम नहीं, मुझे मंजिल मिले या ना मिले मुझे इसका गम नहीं, आप साथ साथ हो मेरे यूं भी तो गम नहीं। माँ जोता ओ लाटा, माँ तेरे दरबार झोंके सारा संसार मेरी सुन ले पुकार, जोता वालिए ओ लाटा वालिए, माँ जोता वालिए। सभी की हड़ताली लगती रहे, सभी की ताली लगते रहे, और प्रार्थना है दिल से, और क्या कहेंगे, सुन ले पुकार जोता वालिए ओ लाटा वालिए, माँ जोता वालिए ओ लाटा वालिए, तेरे दर्शन बिन मर जाऊंगा दर्शन दे दे माँ, मैं अपने लहू तर जाऊंगा दर्शन दे दे माँ, सिर काटी यही मर जाऊंगा दर्शन दे दे माँ, दर्शन दे दे माँ, दर्शन दे दे माँ, दर्शन दे दे माँ। सुन ले पुकार जोता वालिए ओ लाटा वालिए, ये इतनी आजी कबूल कीजिए, जाने अनजाने गलती हुई है तो माफ कीजिए। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों के साथ मैंने प्ले किया, मुझे चंचल जी का ही आशीर्वाद मिला है।
और मैं नहीं कहूँगी कि रोहन के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि मैं माँ हूँ, तो इसलिए ये सब आपको आशीर्वाद मिल रहा है, ललित जी का प्यार है और राजेश प्रिंस जी का, और रोहन ये आपको इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं, और स्वर सम्राट की कहूँगी, चंचल जी का जो बैंड नहीं है बल्कि ऐसा लग रहा है कि स्वयं चंचल जी स्वर्ग से आशीर्वाद दे रहे हैं, और ये मयूरी जी जो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, उनके भाई हैं जिनसे मेरी फेसबुक पर बात होती रहती है, क्लासिकल परिवार है, देवाशीष दास गुप्ता जी के मयूरी के भाई हैं, इन्होंने इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है कि इस बच्चे की सुन के मुझे स्वर्गीय रफ़ी जी की याद आ गई, जबकि रफ़ी जी बहुत, लेकिन ये सच्चाई है कि ललित जी हम दिल से किसी कलाकार को गाते हैं, चाहे वो लता जी हो, चाहे वो आशा जी आ, चाहे वो किशोर जी हो, चाहे वो रफ़ी जी हो, दिल से अगर गाएंगे तो उनकी याद आती है। तो आइए इतना ही जाते अनजाने में यही कहूँगी, जो आपने पालक पनीर की बात कही थी कि मैं फैमिली की हूँ, आपने कहा था आप परिवार के हो तो मैं लड़ भी सकती हूँ आपसे। देखिए सुनो सुनो, कहते हैं तुम बराबर खफा हो, इधर आ जाओ, हट जा रोहन, हट जा बेटा, सुनो एक मिनट सुन लो, कह रहे तुम बराबर खफा हो ना हम तुम्हें बराबर मनाए, तुम बराबर खफा हो हम बराबर मनाए, ना तुम बाजाओ ना हम बाजाएं। वाह, समय कम है, बाज नहीं आना था लेकिन समय है, भाई के ऑफिस का टाइम हो रहा है बस इसलिए मजबूर। और मेरे आशीर्वाद देने का अंदाज थोड़ा अलग है सुरेखा जी, मैं कुछ इस तरह से कहूंगा, रोहन एक ही नतीजे से फैसले पर पहुंचने वालों, एक ही नतीजे से फैसले पर पहुंचने वालों, जिंदगी मौत का उनवा भी हो सकती है, और वो औरत जिसे दिल खोल कर चाहा जाए बीवी ही नहीं माँ भी हो सकती है, और माँ जिसके साथ होती है उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो आइए अंग वस्त्र भेंट कर रहे हैं रोहन को, और एक मिठाई का डब्बा ललित जी की ओर से, ललित एसोसिएट्स जिन्होंने ये रौनक मेला सजाया है, संतों महंतों को मिलाया है, सभी कलाकारों को यहां बुलाया है, और आइए पापा जी श्री नरेंद्र चंचल जी, जिनके नाम से न जाने कितने लोग, जिनकी गायकी से न जाने कितने लोग तर गए,